दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 21 22 21 21 22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे इस करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, देश का मॉडल कैसा होना चाहिए कोरोना कालखंड में दुनिया ने देखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतनी बड़ी आबादी जी सकती है, वहां की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए, कैसे प्रबंधन, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, दुनिया भौचक थी। क्योंकि हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का था, कोरोना प्रबंधन का हो, विकास का मॉडल का हो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। और अब तो दो दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 21 21 21 22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो, दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए।